आखिर दिवाली के अगले दिन ही क्यों की जाती है गोवर्धन की पूजा? बेहद खास है इसके पीछे की वजह, जानिए इस छोटे से पेशकश में। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है माधुरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी फॉर यू। गोवर्धन पूजा या अत्रकूट पर्व दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन गायों की सेवा का विशेष महत्व भी है। इस दिन के लिए मान्यता प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम के लोगों को काफी तूफानी बारिश से बचाने के लिए पर्वत अपने हाथ में उठा लिया था। चलिए जानते हैं क्या है इसकी कहानी। यदि आपके मन में ये सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि इंद्र की जगह गोवर्धन पूजा का प्रचलन आज से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के द्वापर युग से चला आ रहा है। द्वापर युग में पहले ब्रिजवासी भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे, मगर भगवान कृष्ण का तर्क था कि देवराज इंद्र गोकुल वासियों के पालनहार नहीं है बल्कि उनके पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि यही ग्वालों के गायों का चारा मिलता है जिससे लोग दूध प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को कहा कि हमें इंद्रदेव की पूजा नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। अब इतने में होना क्या था, हुआ ये कि गोवर्धन पूजा से नाराज हुए इंद्र। भगवान कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत तो हमारे सामने है, हम इतना कुछ देते हैं, लेकिन इंद्र को तो हमने देखा भी नहीं, और अगर हम उनकी पूजा न करें तो वह नाराज भी हो जाते हैं। उनकी बात मानकर सभी ब्रिजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, और यह बात देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझ बैठा और प्रलय के समान मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। अब इतने में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर ब्रिजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की थी। इतना ही नहीं, देवराज इंद्र ने क्रोध से भर के प्रलय के समान बारिश शुरू कर दिया और उन्होंने 7 दिनों तक घमासान बारिश किया। इसके बाद इंद्र को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं। फिर बाद में इंद्र देवता को भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्र देव की याचना पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया और सभी ब्रिजवासियों से यह कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन की पूजा कर अत्रकूट पर्व मनाए, तब से यह पर्व गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है। आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा पेशकश पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर ले बेल आइकन, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।